नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लिट से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द क्लास 10th। दिस इज द इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और जो आज की एक्सरसाइज है दिस इज एक्सरसाइज 8.4 और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी फॉर दिस, बट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बढ़िया सी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा, तक मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए इसी अगर आप देखेंगे तो क्लास 10th के मैंने दिस वन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ही काफी सारे क्वेश्चन किए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 है जो मैंने एक एक करके कईयों में मैंने कई वीडियोज में मैंने दो तीन क्वेश्चन एक साथ कर दिए, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में देख सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो चलिए देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं और आज ही हम नई आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं जो आप देखेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर दिस इज 27 अपॉन दिस इज कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा अगर आपको कोई रिलेटिव्स अगर आपके कोई रिलेटिव कोई फ्रेंड्स कलीग अगर कोई इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं स्पेशली केमिकल सिविल एंड मैकेनिकल, तो मेरा सब मीन्स इसी चैनल पे आपको स्ट्रेंथ ऑफ मेटल के वीडियोज मिलेंगे जो आप बता सकते हैं। ठीक है, किसी चैनल्स पे आते हैं आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग, देन योर मैथमेटिक्स तो आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के वीडियोस मिलेंगे, कुछ हीट ट्रांसफर के वीडियोस मिलेंगे, तो वगैरह वगैरह अलग अलग सब्जेक्ट के अपडेट्स आते रहेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए देखिए आज हम एक नई आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। देखिए ये आइडेंटिटी क्या है, सबसे पहले ये देखिए साइन, जैसा आपने देखा कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सैक होता है, टैन का उल्टा योर कॉट होता है। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं, आज ये तो थे हमारी मतलब आइडेंटिटीज। ठीक है, और भी हमारी जो आइडेंटिटीज हैं, हमारी मेन तीन आइडेंटिटीज थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन योर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कुछ आइडेंटिटीज थी, मगर उसके अलावा अब हम क्या देखने वाले हैं, साइन और कॉस में एक रिलेशन देखने वाले हैं। नया फॉर्मूला हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा। इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करते हैं हम देखेंगे इन दोनों क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि यहां पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री है और यहां पर साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि अब साइन स्क्वायर 63 डिग्री को आप कॉस स्क्वायर कोई थीटा का एंगल बना लीजिए। ठीक है, या फिर साइन स्क्वायर 27 डिग्री को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए एक काम करूंगा, ये जो दूसरे नंबर पे साइन स्क्वायर 27 डिग्री है इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि हमारी आइडेंटिटी बन सके। कौन सी आइडेंटिटी बन सके, ये बन सके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी बन सके और लास्ट में हम 1 प्रूव करते हैं। तो देखिए कैसे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वो एज इट इज लिख दूंगा। अब मैंने आपको बोला कि साइन स्क्वायर को मैं किसमें कन्वर्ट करूंगा, कॉस स्क्वायर में। ठीक है, तो देखिए साइन यहां पे क्या है, साइन स्क्वायर 27, ठीक है, साइन स्क्वायर 27, मगर यहां पर साइन थीटा है, साइन थीटा को कैसे लिखा जा सकता है, कॉस 90 माइनस थीटा, याद रखिए वापस रिपीट कर रहा हूं, यहां पे साइन स्क्वायर 27 डिग्री है तो इसको इससे कंपेयर कीजिए। देखिए यहां पे स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर साइन थीटा को लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस थीटा, जो थीटा यहां पर थीटा की जो भी वैल्यू होगी वही चीज यहां पर भी आने वाली है। सपोज यहां पे 27 लिखा हुआ तो यहां पर आप 90 माइनस 27 लिखेंगे, मतलब कैसे, यानी कि अगर सपोज साइन 27 दिया हुआ है तो आप लिखेंगे कॉस 90 माइनस 27, सिंपली यही करना है। तो मैं इसी आइडेंटिटी को यूज करने वाला हूं यहां पर, साइन स्क्वायर 27 की जगह, तो मैंने साइन स्क्वायर को किसमें रिप्लेस करना है, कॉस स्क्वायर में, फिलहाल यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहां पे नहीं है तो इससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। तो साइन थीटा को आप किससे रिप्लेस करेंगे, कॉस से, तो यहां पे साइन स्क्वायर है तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, 90 माइनस
थीटा, देखिए यहां पे थीटा है तो यहां भी थीटा है, मतलब यहां पे 27 है तो यहां पर भी 27 आएगा। तो मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज की, ये वाली आइडेंटिटी यूज की, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके तो वैसे ही मैं क्या करूंगा, नीचे आपकी मर्जी, आप किसी में किसी भी एक आइडेंटिटी को, मतलब कोई भी एक टर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं पहले वाले को, ठीक है, अब एक कॉस स्क्वायर है तो इसको मैं किसमें कन्वर्ट करूंगा, साइन स्क्वायर में, ताकि हमारी ये आइडेंटिटी बन जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो मैं इस कॉस स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करूंगा, साइन स्क्वायर में, तो यहां पर साइन स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर कॉस स्क्वायर है, ठीक है, और हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो मैं इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलने की कोशिश करूंगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर, अब कॉस स्क्वायर कितना है, देखिए स्क्वायर से घबराने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को किसमें लिखा जा सकता है, साइन 90 माइनस थीटा। वैसे ही कॉस स्क्वायर है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, साइन, जैसे जैसे यहां पर फॉर्मूला लिखा हो वैसे वैसे लिखना, ठीक है, तो साइन स्क्वायर लिखिए, कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखा, साइन स्क्वायर लिखा। देखिए कॉस थीटा की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा, जो थीटा की वैल्यू यहां पर होगी वही आएगी, यहां पे थीटा है तो यहां भी थीटा है। तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर को इस फॉर्मूले का यूज करके मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर की जगह मैंने क्या बोला था कि आपको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना, और इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं मैं, तो कॉस स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर दिस इज 90 माइनस, यहां पे थीटा है तो यहां भी थीटा है, यहां पे 17 है तो यहां पर भी 17 आएगा, क्लियर हो गया। प्लस ये एज इट इज लिख दीजिए, जो भी लिखा हुआ है, दिस इज कॉस स्क्वायर 73। ओके अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दिस इज साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर, वैसे लिख दीजिए, अगर 90 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 63 ही आएगा। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, यहां पर भी देखिए, देखिए ये आइडेंटिटी बन गई ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, थीटा यहां पे 63 डिग्री है, यहां पर भी 63 डिग्री है, देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस ये आइडेंटिटी यूज करते तो 1 आता है। नीचे भी देखिए दिस इज साइन स्क्वायर, 90 में से 17 गए कितना हो गया भाई 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ऐसी रखिए, तो देखिए आइडेंटिटी बन गई, थीटा भी सेम है 63 भी सेम है, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 क्या होता है, वो भी 1 होता है अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, तो 1/1 इज आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दैट वाज वेरी इजी, मैंने ये भी बताया स्क्वायर से घबराने की जरूरत नहीं है, अगर यहां पे साइन स्क्वायर है तो यहां पे कॉस स्क्वायर चाहिए, यहां पे दोनों में कॉस स्क्वायर है तो एक को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, आपकी मर्जी, आप इसको कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे साइन स्क्वायर में तो यहां पर 17 है तो यहां भी 17 आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। अब पहले वाले में हमने दूसरी वाली टर्म को चेंज किया था, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में, अगर आप इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 63 कन्वर्ट होकर 27 आ जाएगा, तो साइन फिर ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 क्या होता है, इस पहली आइडेंटिटी का यूज करके हम लिखेंगे दैट इज 1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है, ओके। साथ में हमें मालूम है कि दिवाली कल आ ही रही है, तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप ही के जरिए ये चैनल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और आप ही की दुआएं हैं इसके साथ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, साइन 25 दिस इज कॉस 65। देखिए यहां पर तो कोई स्क्वायर नहीं लगा हुआ, तो फॉर्मूला लगाना बहुत इजी है, दिस इज कॉस 25 इंटू साइन 65, ठीक है, ओके। चलिए देखिए अब आपकी मर्जी है, साइन को कन्वर्ट कर रहे हैं कॉस को, या फिर कॉस को, या फिर साइन को, कोई भी एक चीज को कन्वर्ट कर लेना। चलिए हम साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, यहां पे कोई साइन नहीं है तो इनटू है, ठीक है, डॉट लगाया हुआ मैंने, देखिए साइन को कन्वर्ट करूंगा, साइन 25 को कन्वर्ट करूंगा कॉस में, ताकि कॉस दोनों भी कॉस में आ जाए, ये भी कॉस में हो जाए, ये भी कॉस में हो जाए, तो कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर, नंबर भी सेम होने चाहिए, यहां पे अगर 65 है तो यहां भी 65 चाहिए। चलिए तो मैं इसको इस फॉर्मूले का यूज करके, देखिए साइन 25 है तो यहां पे साइन थीटा है, साइन थीटा को कैसे लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा यहां पर है तो वही वैल्यू यहां भी चाहिए, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, साइन 25 को क्या लिखूंगा, कॉस 90 माइनस 25, तो लगाया ना हमारा फॉर्मूला, साइन 25 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 25 लिख दिया, यहां पे 25 है तो यहां भी 25 है, बाकी इसको छेड़ना नहीं है, इसको
वो एज इट इज लिखिए कॉस 65, ठीक है। ओके चलिए ये हो गया हमारा, बाकी मिटा देता हूं तो क्वेश्चन हमने पहले वाला तो कर ही दिया। ओके चलिए, अब मैं ये बोल रहा था कि अब इसको कन्वर्ट करेंगे, दूसरे को हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 25 है, तो यहां पर है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा को किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो इस कॉस 25 की जगह मैं क्या लिखूंगा, दिस इज साइन, क्लियर हो गया। ओके 90 माइनस, यहां पे 25 है तो यहां भी 25 आएगा, ठीक है। यहां पे थीटा है, दैट मींस यहां भी थीटा आएगा। ये हमने कॉस 25 को कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले का यूज करके क्या किया, हमने साइन 90 माइनस 25 लिख दिया, एंड डॉट यहां पर आएगा साइन 65, क्लियर हो गया। ओके इक्वल टू, अब देखिए कॉस की जगह कॉस लिखा, 90 माइनस 25 कितना होता है 65, इनटू कॉस 65, ये 65 ये लिखा मैंने कॉस 65। ओके देखिए 90 माइनस 25 कितना होता है, ये भी क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, यहाँ पे डॉट है और ये वाला साइन 65 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉस 65 इंटू कॉस 65, दिस इज कॉस स्क्वायर 65, साइन 65 इंटू साइन 65 इज नथिंग बट योर साइन स्क्वायर 65, और ये क्या हो गया, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ भी 65, यहाँ भी 65, तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 इक्वल टू 1, तो दैट वाज योर आंसर। आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।